नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ये हमारे पास एक 24 इंची माइक्रोमैक्स की ये LED आई है, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट क्या है कि इसमें इंडिकेटर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सप्लाई ख़राब, मगर सप्लाई हमारी ख़राब थी। ये कैपेसिटर इसका फूला हुआ था, ये हमने रिप्लेस कर दिया, ये देखिए ठीक है। ये भी फूला हुआ पीछे से और ये आगे से फटा हुआ है, देखिए ठीक है। ये हमने रिप्लेस कर दिया, इसमें सप्लाई तो बन गई, ठीक है। अब जो है इसमें वो 12 वोल्ट तो बनने हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 12 वोल्ट हमारे इसमें बन रहे हैं, इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ एक पिन को, और ये देखिए ठीक है। मगर इसमें हमारे 5 वोल्ट नहीं बनने, जिससे कि आगे की सप्लाई बनेगी। 12 के बाद 5 बनेंगे, 5 के बाद 3.3 वोल्ट बनेंगे, फिर उसके बाद 1.2 वोल्ट बनेंगे, तो हमारा कार्ड चलेगा ये, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या कमी है। मैं सप्लाई का जैक निकाल देता हूँ, इसकी जो है रेगुलेटर फट गया, दिखा देता हूँ कौन सा रेगुलेटर फटा। ये वाला, यहाँ पे जो रेगुलेटर है ना, ये वाला, देखिए पिक्चर एकदम क्लियर हो जाने दे जब दिखाई देगा, ये रे दिख रहा ना दोस्तों, ये फट गया, ठीक है। अब जब भी हम किसी भी कार्ड को रिपेयर करेंगे, जिस भी पार्ट्स पे आपको शक है, उसे ओपन करने के बाद ही, निकालने के बाद ही तब दूसरा पार्ट्स लगाएं, वरना हमारा पार्ट्स काम नहीं करेगा। या रेगुलेटर हो या ऊपर से कोई सप्लाई लगाओ, तो उसे हटाने के बाद ही लगाएं, वरना हमारा वो पार्ट्स काम नहीं करेगा। जो भी चीज़ लगाओगे, बहुत से ऊपर से ही लगा के देख लेते हैं कि भाई यहाँ वोल्टेज नहीं बनने, तो हम आगे से 5 वोल्ट दे के देखते हैं, तो वो क्या है कि ये सप्लाई कार्ड को ऑन नहीं होने देगी। ये जो पार्ट्स हमारा ओपन है ना, जो रेगुलेटर या जो भी चीज़ ओपन है, वो उसे भी शॉर्ट कर देगी, वो चलने नहीं देगी। मैंने कई कार्डों में करके देखा, तब मैं क्या काम करता हूँ, हर पार्ट्स को निकाल करके तब लगा कर देखता हूँ दूसरा, किसी चीज़ पर अगर शक होता है तो, पर हमारा वो चीज़ चल जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसे निकाल करके, जब ये तो हमारे पास है नहीं, मगर हम दूसरा लगा के देखेंगे, जो बक कन्वर्टर आता है ना, वो लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इसे निकाल करके जब देखते हैं, मैं इतने असेंबली मशीन चालू कर लेता हूँ। असेंबली मशीन हमने चालू कर दी है, इसकी एयर को थोड़ा कम करते हैं, हीट को बढ़ा लेते हैं, ये हीट थोड़ी कम है, पहले हम निकाल लेते हैं फिर दिखा। ये देखिए हमने ये बक कन्वर्टर यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरा बक कन्वर्टर लगाते हैं, जो मार्केट में आता है, जो ये वाला आता है ना। अब इसकी जगह पे हम ये वाला यूज करेंगे, इससे हम इसे 5 वोल्ट देकर जब देखते हैं हमारी कार्ड चलता है या नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। हमने ये बक कन्वर्टर तो निकाल दिया, ठीक है। अब हमें पता कैसे पड़ेगी कि 5 वोल्ट कौन सी पिन पाने, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका, बहुत ज़्यादा आसान तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
आज कार्ड रिपेयर करना बिल्कुल 100% सीख जाओगे। जो इस वीडियो को देख लोगे ना, तो किसी और वीडियो को देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैमरे, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा VCC 12 लिख रहा ना, तो ये हमारी 12 वोल्ट की पिन है पहले नंबर की जो है, ठीक है। यहाँ से तो हमें पॉजिटिव उठाना इनपुट, बक कन्वर्टर जो हमारा उसके लिए बता दूंगा अभी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लिख रहा, ये देखिए VCC 3.3 VCC 5 वोल्ट, ठीक है लिख रहा ना। तो इसका 5 वोल्ट का तार डायरेक्ट यहीं दे दो, यहाँ दे दो बिल, अब वरना इस कोयल पे दे दो, ये मोटी वाली कोयल है ना, यहाँ से इसे निकले हुए बक कन्वर्टर से चेक कर लो, यहाँ से 5 वोल्ट की ये देखिए मीटर बोल रहा ना, तो ये इस कोयल यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ लगा दो तो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। फिर उसके बाद में हमारी 3.3 वोल्ट बन जाएंगे, और उसके बाद में 1.2 वोल्ट बनते ही हमारा कार्ड एकदम ओके, ठीक है। अब मैं इसे लगा करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से सिखा दे रहा हूँ आज मैं तुम्हें कार्ड रिपेयर करना। तुम खुद भी इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी इनपुट है, इसके बारे में तो हर कोई भाई जानते हैं। ये हमारा कैमरा भी साफ़ होने दो, ये हो गया ठीक है। ये देखिए ठीक है, इनपुट और आउटपुट। अब हम इसे शॉर्ट करते हैं 5 वोल्ट पे, ऐसे जहाँ ये जो लिख रहा है ना, इसे 5 वोल्ट पे शॉर्ट कर देते हैं, फिर ये हमारा 5 वोल्ट निकालेगा। अगर इसने हमें कहीं भी शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये आउटपुट में हमारा डिफ़ॉल्ट में 1.2 वोल्ट निकालेगा, अगर इसे हमने कहीं भी शॉर्ट नहीं करा तो। हम इसे शॉर्ट कर दे हैं 5 वोल्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 5 वोल्ट पहले निकलवाते हैं इसमें से। भैया वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर कार्ड ज़रूर रिपेयर करना सीख जाओगे तुम, तुम्हें फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब मैं तुम्हें तो हम इसके जो ग्राउंड पिन है ना, इसे तो यहाँ दे दे रहे हैं, कहीं भी दे दो ग्राउंड, तो जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम अच्छा लगे, जहाँ अच्छी सुविधा लगे वहाँ दे दो, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट पे दे दो, जहाँ 12 वोल्ट तुम्हें प्राप्त हो रहे हों, हाँ शोल्डर पकड़ नहीं रहा था, हम नीचे से लगा दे रहे हैं इसे, ठीक है। ये लगा दिया हमने 12 वोल्ट पे यहाँ, अब आ गए हमारे 5 वोल्ट, इसे भी हम नीचे से लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये भी नीचे से लगा दिया हमने, अब दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ 5 वोल्ट पे लगा दिया, ये हमने 12 वोल्ट पे लगा दिया, और दूसरा ये ग्राउंड पे लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसे हम सप्लाई दे के और चला करके देखते हैं हमारा कार्ड में वोल्टेज बने या नहीं बने, नहीं बने तो फिर क्या शॉर्टिंग है जो नहीं बने। चलो ये हमने इसका तार लगा दिया, ठीक है। अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, पहले मीटर को ऑन कर लेते हैं,
ठीक है, इसे ग्राउंड कर लेते हैं पिन को। ठीक है, और इसके पहले 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। बारह वोल्ट नहीं बने अभी तो। सॉरी दोस्तों, हम इसके सप्लाई की तो जैक लगानी भूल गए। अब मैं लगाता हूँ इसे। लगा दी हमने सप्लाई की जैक। अब देखते हैं, देखो इसमें से अभी देखा आपने दोस्तों, यहाँ पे जो बक कन्वर्टर लगा हुआ है इसमें भी धुएं उठ गए। ये भी कन्वर्टर ख़राब होगा हमारा, ये वाला भी ख़राब था पहले, बाद में ये वाला शॉर्ट हुआ। ठीक है, जब LED आई हमारे पास बंद आई, तो सबसे पहले क्या है, ये वाला कन्वर्टर शॉर्ट हुआ होगा, उसके बाद में ये फूकेगा, क्योंकि ये शॉर्ट है तो इसे भी फूकना पड़ेगा, तभी लाइन कटेगी, तभी डेड होएगा कार्ड। ठीक है, तो अब हमने ये वाला लगाया तो इसमें धुआं उठ गया, तो हमने चालू तो इसे कर दिया। अब दिखाता हूँ कैसे कैसे हमने चालू करा। इसे सप्लाई का तार निकाल देता हूँ। सबसे पहले लगाया हमने 5 वोल्ट बनाने के लिए, ये 7805। ठीक है, ये 7805 है हमारा। ये हमने पॉजिटिव पिन पर लगा दी इसकी, ये इसकी पहले हमने 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई इससे 7805 से। ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा, चलो बता दें, ये 7805 से 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर दे दी। ठीक है, ये कनेक्शन दिखाई दिए मैंने आपको। फिर उसके बाद में लगाया हमने बक कन्वर्टर। ठीक है, अब हमने इसे डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये दोनों जंपर हटा दिए हैं। ये अब ये डायरेक्ट 1.2 वोल्ट निकाल रहा, वो 1.2 वोल्ट हमने इस कॉइल पे दे दिए। 3.3 के लिए ये रेगुलेटर लगा हुआ ये रहा। ठीक है, एक साइड पे इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं, और दूसरी बीच वाली पिन पे 3.3 निकालेगा। ठीक है, और एक ग्राउंड पिन है बीच वाली पे, 3.3 वोल्ट हैं इसके। अब उसके बाद में सप्लाई बिल्कुल हमारी सही बन गई है, और मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। ये सप्लाई का जैक लगा लेता हूँ, पिछली बार भूल गया था थोड़ी देर पहले, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर ये है हमारी मेहनत कामयाब हो गई, जो अभी धुएं उठे इस कार्ड में वो मेहनत हमारी कामयाब हो गई। ये हम इसका तार लगाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने ग्राउंड कर दी पिन, ये हमारे 12 वोल्ट। ठीक है, बारह वोल्ट के बाद में ये 5 वोल्ट। मैं मीटर को थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखिए, ये 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे 3.3 वोल्ट बीच वाली पिन पे। ये देखिए 5 वोल्ट किनारे वाली पिन पे, और इस पे 3.3 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 1.2 वोल्ट। तो हमारे कार्ड को स्टैंड बाई छोड़ देनी चाहिए, स्टैंड बाई रिलीज कर देनी चाहिए। वोल्टेज हमारी ओके बन चुकी हैं, जो मैंने आपको शुरू से बताता रहा हूँ कि
जो जो वोल्टेज हमें कार्ड को ऑन करने के लिए चाहिए वो वोल्टेज होने चाहिए, तभी हमारा कार्ड ऑन होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ये लगा दिए कीपैड के जैक भी, और ये हमारी लाइट भी ग्लो कर गई। ये देखिए ये जल्दी लाइट ग्लो कर गई। अब हम इसे स्टैंड बाय से रिलीज करके देखते हैं ये स्टैंड बाय से रिलीज होती है या नहीं होती। ये हमारा यूनिवर्सल रिमोट है, हम उससे देखते हैं इसे। ये देखिए स्टैंड वाइज से रिलीज हो गई। अब ये ऑफ करके देखते हैं। ये यूनिवर्सल रिमोट है तो इसलिए पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, मगर ये हमारा कार्ड ओके हो गया, स्टैंड वाइज से रिलीज हो गया। ठीक है, तो जो हमारी मेहनत थी जिसकी सोच रहे थे कि नहीं चलेगा, वो हमारा कार्ड ओके हो गया। सप्लाई मैंने आपको बताई दी कौन कौन सी सप्लाई होनी चाहिए इसमें। आज हमने तुम्हें कार्ड की फुल वोल्टेज और फुल डिटेल बता दी। जो स्टैंड वाइज में कार्ड फंसा होगा तब भी निकलेगा इसी तरीके से, कार्ड डेड होगा तब भी इसी तरीके से ऑन होएगा, कार्ड में कोई भी दिक्कत हो इसी तरीके से चलेगा कार्ड। ये वोल्टेज सबसे पहले यही वोल्टेज चेक करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी जैसे LED कार्ड के बारे में पूछना तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका तुरंत जवाब देंगे। तुरंत नहीं देंगे तो भैया तब हम ऑनलाइन होंगे तभी देखते ही तुरंत जवाब देंगे, मगर यह है कि तुम्हें कार्ड की मैंने पूरी डिटेल बता दी। कोई भी कार्ड हो, चाइनीज या कंपनी का कोई भी कार्ड हो, सब में ये वोल्टेज होने ज़रूरी है, सिर्फ एंड्रॉयड कार्ड को छोड़ गए। एंड्रॉयड कार्ड के वोल्टेज अलग होते हैं, उसकी वीडियो हम बना देंगे एंड्रॉयड कार्ड की। ठीक है दोस्तों, मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।